नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानटो में। दोस्तों, आज कुछ मैं सेक्शंस की बात करूंगा जहां से कोई भी कस्टमर रिवेट ले सकता है। सेक्शंस ATC, अंडर सेक्शन ATC द मैक्सिमम टैक्स एक्सेप्शंस लिमिट इज ₹1.5 लाख पर एनम। आप अंडर सेक्शन ATC के तहत 1.5 लाख रुपये तक का अब एक्सेप्शंस यानी रिवेट ले सकते हैं। द वेरियस इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी क्लेम्स एज टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शंस ATC आर लिस्टेड बिलो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, 5 ईयर्स बैंक्स या पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग्स डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट डिपॉजिट्स स्कीम्स एंड रीपेमेंट ऑफ होम लोन्स, नेशनल पेंशन सिस्टम्स, NABARD, रूरल बॉन्ड्स, स्टंप ड्यूटी चार्ज फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस। आप ATC के तहत आप यहाँ से 1.5 लाख रुपए तक आप रिबेट ले सकते हैं जब ITR आप फाइल करते हैं तब। एंड सेक्शंस ATCCC कंट्रीब्यूशंस मेड टू आर यूनिटी प्लान्स अवेलेबल विद एनी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड कैन बी कंसिडरेशंस फॉर टैक्स बेनिफिट। द मैक्सिमम टैक्स डिडक्शंस अलाउ अंडर दिस सेक्शंस इज ₹1.5 लाख। एंड सेक्शन ATCCD एम्प्लॉइज कैन कंट्रीब्यूट to national pension schemes NPS, the maximum contributions can be up to 10% of the salary, basics plus DA for salaried or gross incomes in case of self-employed from 2017-18, and additional tax deductions of up to ₹15,000 under section 80 CCD is allowed for the excess employees contributions, and this is over and above the limit of ₹1.5 lakhs. The definition of the salary is basics plus retirement allowance plus any other bonus. If the employer also contribute to the pension schemes, the entire employer contributions maximum 10% of the salary and can be claimed as a tax deductions under sections 80 CCD. This is over and above the limit of ₹1.5 lakhs. It is to be likely noted that the total deductions under this section 80C and 80CCD and 80CCC put together cannot exceed ₹1.5 lakhs for the financial year 2017-18. Section 80DD. Up to the ₹75,000 can be claimed for expending on medical treatment of your dependent spouse, parents, children and siblings who have 40% disabilities, and the up to ₹1.5 lakhs can be deduction in the case of several disabilities 80%. दोस्तों, ₹75,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं इन केस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। आपके ऊपर डिपेंडेंट जो भी हैं, स्पाउस, पेरेंट्स, टीचर, चिल्ड्रंस एंड सिबलिंग्स, उसका आप ₹75,000 तक का आप क्लेम ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं आप ITR में। एंड अप टू 1.25 लाख अगर डिसेबिलिटीज 80% है तो आप 1.25 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80DDB एनी इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स एंड कैन क्लेम अप टू ₹40,000 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेन स्पेसिफिक क्रिटिकल डिसीजेज, एंड दिस कैन आल्सो बी क्लेम फॉर इज डिपेंडेंट। सीनियर सिटीजन अबव 60 कैन क्लेम अप टू ₹16,000, एंड वेरी सीनियर सिटीजन अबव 80 ईयर्स कैन क्लेम ₹80,000 अंडर सेक्शंस। इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर द इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन ए मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन द हॉस्पिटल टू क्लेम टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 DDB। नाउ वील बिकम सेक्शन 80U। दिस सेक्शन इज सिमिलर टू सेक्शन 80DD, बट हेयर द टैक्स डिडक्शंस इज परमिटेड फॉर द एम्प्लॉइज हिमसेल्फ हु इज फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड।
and sections 80D. Up to 30,000 can be deducted toward the medical insurance premium for the senior citizen above 16 years, and up to rupees 25,000 can be deducted toward medical insurance of self and dependent spouse and children. Additionally, a deductions of up to rupees 25,000 toward the medical insurance premium of parents, father, mother and both is available. If both the parents, father and mother are senior citizen, then the deductions allowed is up to rupees 30,000. Section 24. Income tax benefit for interest paid on home loan. Income tax benefit on payment of interest paid on home loan is allowed for deductions under section 24. The maximum deductions allowed under these sections for the self-occupied house property is up to 2 lakhs. In case the home loan can be taken for the property and which is not self-occupied, there is no maximum limit prescribed, and the entire interest paid is fully exempted. If the taxpayer has availed a home loan for repair to work reconstructions, a maximum deductions up to the rupees 30,000 per financial year is permitted. Section 80EE. In budget 2017-18, a new proposal has been made in which first time home buyer are eligible for an additional tax deductions of rupees 15,000 on home loan interest payment under sections 80EE. For the claiming tax deductions under this new sections 80EE, the following criteria have to be met, and the home loan should have been availed since sections in financial year 2017-18, the loan amount should be less than rupees 35 lakhs the value of this. दोस्तों ये कुछ सेक्शंस थे जिसके अंडर आप रिबेट ले सकते हैं. दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. इसके लिए करना क्या होगा, आपको राइट साइड में एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं. दोस्तों मेरा वेबसाइट है LIC Advisor.guru, यहाँ पर आकर बहुत सारे न्यू अपडेट्स पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. LIC Advisor.guru ये मेरा अपना पर्सनल वेबसाइट है. तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर जरूर कर दें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.